हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ एक साड़ी के टुकड़े से बैग सिलना शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास ये साड़ी के दो टुकड़े थे, लंबाई में थे जो, तो उसके मैं चार टुकड़े बना लूँगी। और मेरे पास एक घर में वैसी पड़ी हुई एक बैग है, ये वाली बैग, इसको खोल दूँगी। खोल के इसको उसके अंदर डाल दूँगी, दोनों नीचे ऊपर से साड़ी का टुकड़ा लगा के बीच में इसको डाल के इसके ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। और ये बचा हुआ थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे। ये हो गया दो, ऐसे ही दोनों साइड दोनों को भी नीचे ऊपर से साड़ी का कपड़ा लगा के सिलाई मार के लेना है। तो ये सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हो गए दोनों कपड़े रेडी, दोनों साइड इसको बराबर से कट करना है। जो एक्स्ट्रा इस पूरा कट कर देंगे और अब देखेंगे ये कितना हुआ है कपड़ा। कपड़ा कम या ज़्यादा कितना भी रहे, आप उससे बैग सिल सकते हो। लंबाई चाहे कितना भी हो, लंबाई या चौड़ाई, अभी देखेंगे कितना हुआ है। ये हुआ है 11 इंच और ये हुआ है 6 इंच, 11x6 इंच का दो पार्ट तैयार हो गए। और इसके बीच में एक जिप लगा लेंगे। ये हो गया एक साइड से, और इसको एक साइड करके और एक सिलाई लगा लेना इसके ऊपर से। और ये सीधी जिप रखना है और उसके ऊपर से कपड़ा लगा के सिलाई लगा लेना है। अभी इसको भी हम लोग एक साइड करेंगे और उसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ये हो गया रेडी जिप लगा के। और इस पे हम लोग रनर लगाएंगे। अभी इसको एक साइड से थोड़ा सा डाल दो और दूसरे साइड से थोड़ा धीरे धीरे करके डालना है। और दोनों मिला के थोड़ा थोड़ा आगे ढकलना है। हो गया, ये हो गया रनर लगा के। अभी इसको यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। गाइस, एक बैग सिलना बहुत ही आसान होता है। अभी यहाँ पे एक बेल्ट बनाएंगे, जो इसी बैग का निकला हुआ था उसी को एक साड़ी का कपड़ा लगा के बेल्ट रेडी करेंगे। इसकी लंबाई 5.5 इंच है, 5.5 इंच के ये दो बेल्ट रेडी करना है हमको, दोनों साइड से सिलाई लगा के। और ये दोनों के सेंटर में बराबर रख के इसको सिलाई लगा देंगे। ये हो गया एक साइड, और अभी उसी तरह से इधर से भी लगा के दूसरी साइड भी रेडी कर देंगे। ये हो गया, दोनों साइड से बेल्ट लगा दिया हमने। और यहाँ पे मार्जिन का, सिलाई के मार्जिन छोड़ के 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ के गिनना है उसको। ये हो गया कट, और ऐसे ही चारों साइड से कट कर लेंगे चारों साइड। ये हो गया चारों साइड कट करके, अभी इसको सिलना है चारों साइड से भी। ये हो गया गाइस, बहुत ही आसान है ये बैग। एक बार ट्राई करिए और इसको सीधा कर देंगे। हो गई रेडी हमारी बैग, क्यूट सी एकदम, बहुत ही सुंदर दिखती है और यूज़फुल भी होती है। जो छोटे से कपड़े रहते हैं कुछ भी, जैसा ब्रा वगैरह पैंटी रख सकते हो, या तो छोटे बच्चों के डायपर वगैरह रख सकते हो इसमें, कहीं भी सफ़र में वगैरह जाने के लिए छोटी सी बैग यूज़फुल होती है। गाइज़, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए।